नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं गोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी आज इतना इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू छलक आए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा, काश मैं भी बचपन में इस तरह के घर में रह पाता। गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था। गरीब के हक का पैसा बिचौलिए लूट जाते थे। पहले की सरकारों की नीति, नियत और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त बनाने की है। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मौका था महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल आवास योजना के तहत बने घरों की चाबी देने के कार्यक्रम का। यह श्रमिकों, कचरा बीनने वालों, ड्राइवरों और बीड़ी बनाने वाले जैसे गरीबों को सौंपा जाना है। मौके पर पीएम मोदी ने हजारों करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। खुद को HDFC बैंक का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी बांटने वाले विकास सर लाल को झारखंड CID ने अरेस्ट कर लिया। विकास का घर रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर चौक में है। इस संबंध में रांची के साइबर क्राइम थाना में बीते साल 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया था। ठगी के शिकार गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में रहने वाले शख्स को HDFC बैंक में लीगल मैनेजर एवं एक अन्य व्यक्ति गौरव कुमार डे को बिजनेस मैनेजर के पद पर ज्वाइन कराया गया। इन्हें बैंक का ID कार्ड तक दिया गया। इन दोनों को टारगेट के नाम पर खाता खुलवाने और लोन दिलाने के नाम पर लोगों को फांसने का काम दिया गया। करीब 50-60 लोगों का बैंक में खाता खुलवाया गया। वहीं लोन दिलाने के नाम पर करीब 25,65,972 रुपए की ठगी कर ली गई। जांच में फर्जी बैंक अधिकारी बने विकास सरलाल का असली चेहरा बेनकाब होने के बाद उसे साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि विभाग अबुआ आवास निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार तेजी ला रहा है। योजना में अब तक ग्रामीणों से कच्चा मकान को पक्का करने के लिए 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। उनमें से 29,97,000 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। मौका था विभाग के गुजरे 4 साल की उपलब्धियों और आगे की कार्य योजनाओं मीडिया के साथ साझा करने का। सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि विभाग बंजर भूमि पर कांटा रहित कैक्टस के पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रहा है। यह पशु चारा के साथ वैगन लेदर बनाने में भी काम आएगा। ग्रामीण विकास विभाग का सचिव चंद्रशेखर सूचना भवन के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दे रहे थे। JJMP के 4 उग्रवादियों को पलामू की पांकी पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार लोगों के नाम धर्मेंद्र भुइया, सतन उराव, जगन उराव और राजू साव बताए गए। सबू पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। ये लोग एरिया कमांडर ध्रुव जी उर्फ राजू राम और उसकी बीवी अनीता के लिए काम करते हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 5 पर्चा, 3 मोबाइल, 2 बाइक और 5,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। इस बात का खुलासा आज पलामू पुलिस कप्तान कृष्णा रमेशन ने किया। SP ने बताया कि छोटे बड़े ठेकेदारों और राशन डीलरों से लेवी वसूल कर ध्रुव जी तक पहुँचाते हैं। वसूली गयी रकम में से इन सभी को हिस्सा मिलता है। राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। घने कोहरे के बीच कल से परेड की रिहर्सल की शुरुआत की गई है। रिहर्सल में CRPF, SSP, ITBP, NCC, JAG 1 और 2, होमगार्ड, स्काउट एंड गाइड्स के जवान शामिल है। वहीं अलग अलग टुकड़ियों द्वारा झांकी निकाली जाएगी। महिला बैंड पार्टी और जैप ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साथ सेना के जवानों का परेड और झांकियां खास रहेंगी। शासन प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जा रही है। यह आयोजन ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। पलामू के छतरपुर में चीनी कारोबारी शुभम कुमार की हत्या के विरोध में आज छतरपुर नौडीहा बाजार बंद रहा। तमाम छोटी बड़ी दुकान और बाजार बंद रहे। इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा था। छतरपुर विधायक पुष्पा देवी और भाजपा नेता सह पूर्व सांसद मनोज कुमार के नेतृत्व में गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। विधायक ने कहा, स्थिति बहुत भयावह होते दिख रही है। थाना के बगल में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। वहीं भाजपा नेता मनोज कुमार ने कहा कि पलामू में बेखौफ अपराधियों ने आज खुजरी नौडीहा में ग्राहक सेवा केंद्र में धावा बोल नागेंद्र यादव से 4.5 लाख रुपए लूट लिए। प्रशासन बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम है। लोगों ने शुभम के हथियारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग रखी है। लोकसभा से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा का सरकारी बंगला शुक्रवार को खाली करा दिया। टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नॉबी को खाली कराने के बाद उसे संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया। महुआ मोइत्रा को बीते 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बंगले का आवंटन रद्द किए जाने के बाद 7 जनवरी तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। इससे पहले उन्हें एक नोटिस भी भेजा गया था। मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की यूजर ID और पासवर्ड साझा करने के इल्जाम में बीते 8 दिसंबर को निष्कासित दिया गया था। मोइत्रा को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के बेहद रोमांचक मैच में जापान ने 1-0 से जीत हासिल कर ली। इस हार के बाद भारत का पेरिस ओलंपिक का सपना टूट गया। वहीं जापान पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई कर गया। भारत की इस हार से हॉकी फैंस दुखी है। वैसे भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपना पूरा दम लगाया, लेकिन आज किस्मत ने जापान का साथ दिया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।